सो है गाइस, माय नेम इज युकास एंड यू वाचिंग गेमिंग वर्ल्ड एक्स। सो गाइस, जैसे कि मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में स्टीव की स्टोरी सुनाई थी, उसी तरह उसी सीरीज का पार्ट थ्री जिसमें कि मैं आपको आज एलेक्स की बैक स्टोरी सुनाऊंगा कि आखिर किस तरह एलेक्स स्टीव से मिला और आखिर उन दोनों का मकसद एक ही क्यों है, जो कि है एंडर ड्रैगन। पर आपने पार्ट वन और पार्ट टू ने देखा जिसमें कि मैंने स्टीव की स्टोरी सुनाई थी, तो उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी आ रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है जब दो प्रकार के विलेजर बिल्डर और इंजेंटर्स एलेक्स अपने मोम डैड के साथ खुशी खुशी एक विलेज में रहता था, मगर एक रात अचानक कुछ ज़ोंबी उस विलेज पर हमला कर दिया। ज़ोंबीज़ को इंजेंटर्स ने बनाया था। ज़ोंबी के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी हम एलेक्स की स्टोरी जारी रखते हैं। वे ज़ोंबी ने सबको ज़ोंबी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया जब उन ज़ोंबीज़ ने उस विलेज पर हमला किया जब एलेक्स 9 साल की थी। ज़ोंबीज़ ने विलेज में सबको मार दिया और एलेक्स के मोम डैड को ज़ोंबी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया था। विलेजर ज़ोंबी विलेजर बनने के बाद सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रह सकते थे, ये बात एलेक्स को पता थी। एलेक्स परेशान थी कि अब क्या करे। वो अपने पास वाले गांव में मदद मांगने गई तो वहां उसे कोई मदद नहीं मिली, मगर उस विलेज से उसे एक बूढ़ी विलेजर के बारे में पता चला जो कि नदी के पास रहती है और उसे मैजिक वगैरह सब के बारे में जानती है। मगर उस विलेजर का घर वहां से बहुत दूर था, उसे कम से कम 3 दिन वहां जाने में लग सकते थे। मगर ये जानने के बाद एलेक्स बहुत परेशान हो गई, वह पहले ही अपना काफी टाइम गवा चुकी थी, मगर उसके पास यही आखिरी उम्मीद थी। तो उसने दिन के साथ साथ रात को भी सफर किया और वो 2 दिन में वहां पहुंच गई और उसने अपनी सारी बातें उस बूढ़ी विलेजर को बता दी। ये वही बूढ़ी विलेजर थी जिसके साथ स्टीव रहता था और इस समय स्टीव उसके पास ही था और अब वो 10 साल का हो चुका था। जब एलेक्स ने उससे बूढ़ी विलेजर से मदद के लिए कहा तो उस बूढ़ी विलेजर ने एलेक्स को एक गोल्डन एप्पल दिया और साथ में एक पोजन दिया और कहा कि इसे तुम्हारे मोम डैड पहले जैसे हो जाएंगे। मगर एलेक्स के पास अब आधा दिन ही बचा था, इसलिए वह बूढ़ी विलेजर ने एलेक्स को एक और पोशन दिया जिससे वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। एलेक्स ने अपने मोम डैड को एक घर में बंद करके रखा था ताकि वो कहीं भागे और जले ना। मगर जब एलेक्स अपने घर पहुंची तो वो दोनों मर चुके थे। ये देख एलेक्स बहुत देर तक रोई और फिर कुछ देर बाद एलेक्स वहां से उठी और अपने मोम डैड के बदले के बारे में सोचने लगी, मगर वह उतने शक्तिशाली नहीं थी वो अपने मोम डैड का बदला ले सके, मगर कोई भी जिंदा नहीं बचा था, इसलिए वह वापस उसी बूढ़ी विलेजर के पास चली गई ताकि वो उससे कुछ मदद मांग सके। उसने उस बूढ़ी विलेजर को कहा कि मुझे इंचेंटर्स से अपना मोम डैड का बदला लेना है और उस बूढ़ी विलेजर ने एलेक्स को वहीं पर रोक लिया ताकि वो उसे ट्रेनिंग दे सके और वहीं पे ही एलेक्स की मुलाकात स्टीव से हुई। मगर अब तक बूढ़ी विलेजर ने स्टीव को लेटर नहीं दिया था, इसलिए वो अभी तक असलियत नहीं जानता था। मगर एक दिन एलेक्स भी वहीं था। एलेक्स ने स्टीव से कहा, जिस तरह इंचेंटर्स ने तुम्हारे मोम डैड को मारा है उसी तरह उन्होंने मेरे भी मोम डैड को मारा है और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी इसका न्यू पार्ट आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस कमेंट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बाय।